हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि फ्रेंड्स, आप व्हाट्सअप पे अगर कोई भी मीडिया को है जो आप कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोस को, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं, उसे टैप करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर डाउनलोड फेल्ड का ऑप्शन बताता है या फिर एरर का ऑप्शन बताता है और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको वहाँ पर देखने को मिलती है फ्रेंड्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले है आपको अपने प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सअप सर्च कर लेना है और यहाँ से अगर आपने व्हाट्सअप को अपडेट नहीं कर रखा है फ्रेंड्स, सो यहाँ से आपको व्हाट्सअप अपडेट कर लेना है। और व्हाट्सअप अपडेट करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद है फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में आ जाना है। मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद है आपको ऐप मैनेजर एप्लीकेशन या ऐप्स नेम से जो भी ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद है फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। सो उनमें से आपको है जो व्हाट्सअप वाले ऐप पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर व्हाट्सअप ऐप पर क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको क्लियर कैच का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लियर कैच कर देना है। उसके बाद है आपको यहाँ पर है जो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा परमिशंस का, परमिशंस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको है परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से भी बैक पे आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सअप ओपन कर लेना है और व्हाट्सअप ओपन करने के बाद थ्री लाइन पे क्लिक करना है और सेटिंग में क्लिक कर देना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको है जो सभी ऑप्शन, यहाँ पर फोर ऑप्शन मिल जाते हैं, सब पे आपको टिक करके और ओके पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद है फ्रेंड्स, आपको है यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर अगेन आपको है अपने व्हाट्सअप में थ्री लाइन पर आना है, सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको चैट्स का ऑप्शन मिल जाता है, चैट्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। और नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर चैट बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको बैकअप वाले ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको अपने मोबाइल में है चैट का बैकअप ले लेना है व्हाट्सअप में। उसके बाद है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अगर आप व्हाट्सअप से कोई भी फाइल, मीडिया, डॉक्यूमेंट्स अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको एरर या फिर डाउनलोड फेल्ड का ऑप्शन, जो भी प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगी फ्रेंड्स और आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। सो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।